चलिए दोस्तों, आज हम मदर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले इंग्लिश का, यूज ऑफ सिम, SWM सिम एंड अपीयर का प्रयोग हम पढ़ेंगे। इसकी पहचान होगी यानी कहाँ हम इनका प्रयोग करेंगे, तो प्रतीत होता है या प्रतीत हो रहा है। देखिए, बात चाहे प्रतीत होता है बोले या प्रतीत हो रहा बोले, बात एक ही है, एक ही चीज़ को समझने हैं। अनुवाद हम एक ही तरह से बनाएंगे, प्रतीत होता है या प्रतीत हो रहा है, दोनों तरह के वाक्य आपको दिए गए हैं तो आप इसका मतलब कि ये नहीं कि कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ये चीज़ समझना है। इसको आप कंटिन्यूअस रहा रही जरूर दिया है, लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, बल्कि हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे, प्रेजेंट इनफिनिट बनाएंगे। और इसके साथ जो जब हम वाक्य को बनाएंगे तो इसके साथ हम एक और प्रयोग करेंगे, टू बी लगाएंगे। ठीक है, अब इस टू बी लगाएंगे बनेगा, हम कहीं आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस वाक्य को देखने हैं, आप दो तीन उदाहरण को देखिए, आपको वाक्य खूब समझ में आने लगेगा। तो देखिए इन एग्जांपलों को, आपको समझ में, राजू प्रसन्न प्रतीत हो रहा है। देखिए रहा रही लगा है, लेकिन हम रहा रही का नहीं बनाएंगे, कंटिन्यूअस का नहीं बनाएंगे, हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो हम सीधे से लिखेंगे इसका अनुवाद में, राजू सिम्स, देखिए राजू एक है तो इसलिए हम एस लगाएंगे, राजू सिम्स टू बी हैप्पी। अरे बात समझ में, राजू नाम है तो राजू एक वचन में है, तो इसलिए सिम खाली लगा था, सिम्स लगाएंगे, टू बी हैप्पी। क्लियर बात, तुम बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत हो रहे हो, तो हम यहाँ लिखेंगे यू और सिम लगाएंगे। देखिए यहाँ बहुवचन में हो गया तो इसलिए केवल सिम रहेगा, टू बी ए वाइज पर्सन या मैन, पर्सन लगा दे मैन लगा दे, बात एक ही है। संतरे मीठे प्रतीत, हम खा के देख नहीं रहे कि लग रहा है कि नहीं रहा, प्रतीत हो रहा है यानी हमें फीलिंग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिम लगा दें चाहे अपीयर लगा दें, तो द ऑरेंज, द ऑरेंज ज्यादा है तो लगा देंगे, द ऑरेंज इज अपीयर टू बी स्वीट, यानी ऐसा मालूम हो रहे हैं कि बेशक खट्टे हों लेकिन लग रहे हैं कि कैसे हैं, ये मीठे हैं देखने से लग रहा है। और वह मूर्ख मालूम पड़ता है तो ही अपीयर, अब एक व्यक्ति है तो इसमें एस जोड़ेंगे, ही अपीयर्स टू बी स्टूपिड, वह मूर्ख मालूम पड़ता है, ऐसे हमें समझ में आता है, हमारे देखने से को हुलिया से लग रहा है कि वो ऐसा है। तो इसलिए इन जगहों पर हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट आपका आवाज है, ये आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं, ये आम खट्टे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दीज मैंगो, दीज मैंगोज अपीयर, मैंगोज अपीयर टू बी साउर। अभी बात समझ में, इस तरह से आप पढ़ेंगे बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, कभी कभी ये प्रश्नवाचक में पूछ जाता है, प्रश्न में पूछ जाता है, तो आपके मन में रहेगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मछलियाँ ज़्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डू लगाएंगे, डू दीज फिश। अब ये ध्यान रखिए, फिश का हम फिश ही लिखेंगे, इसका हम बहुवचन एकवचन सब एक ही होता है, तो डू दीज फिश टू बी, तब यहाँ का लगे हम सिम से या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, सिम टू बी फ्रेश, ठीक है, ताजी लग रही हैं। वह बहुत धनी प्रतीत नहीं हो रहा है, तो बस ही आपका लगाएंगे, एक है तो डज नॉट लग रहा है, चाहे प्रतीत हो रहा पियर या सिम कुछ भी लगा देंगे, सिम ही डज नॉट सिम टू बी, और क्या हो जाएगा, बहुत धनी, तो वेरी रिच, ठीक है।
इस तरह से आप इंट्रोगेटिव को भी बना सकते हैं।